तो राम राम दोस्तों, अभी हमें विपिन देसी फिटनेस जिम में और आज मेरे साथ है विपिन भाई। तो स्टार्टिंग में जब मैं जिम में आया था तो उस टाइम भाई ने कम से कम 25 से 30 लोग और भी आए थे, जो मतलब जिम करने के लिए भाई ने बोला हुआ था पर्पज से, और भाई जिम कर लो, यहाँ पे मैंने जिम की है। तो बहुत से भाई ऐसे देख के चले गए, भैया तो कुछ नहीं है, तो दिखावा है, ये कर रखे है, या मतलब ये कुछ नहीं, डोंडराबाजी है, तो भाई सब चले गए। उसके बाद मैं पहले भी जिम करता था, मतलब थोड़ा बहुत डेडिकेशन था, बट मैंने सोचा यार कम से कम यहाँ पे करूँ, दिखा कुछ बेनिफिट तो मिलेगा कम से कम। वो ये बंदा है, इसने गेम कॉम्पिटिशन भी खेला हुआ था और फिर अच्छी नॉलेज भी थी हर चीज़ की, डाइट वगैरह की भी हर चीज़ की नॉलेज थी, क्यों इसने यार ये यहाँ से स्पेशली बंदा ट्रेनिंग मेहनत इसने बहुत की हुई है, कि स्पेशल यहाँ से 25-30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना गुड़गांव ट्रेनिंग लेता था खुद। तो फिर मैंने सोचा कि इसके पास मैं खुद गया, अब कम से कम मेरे को भी कुछ रिजल्ट मिले। मैं आया तो मैंने शुरू में और जिमों में जाता था जब, तो ये सोचता था कि भाई टाइम पास, जिम जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपने सो रहा हूँ, कुछ भी है ऐसे ही, मतलब टाइम पास है, हाँ जिम हो रही भाई, मतलब एक नहीं होता दिखावे के लिए भाई हाँ जिम करने जा रहा है बंदा, बस वो चीज़ है, हाँ भाई मैं भी जिम में जाता हूँ। फिर यहाँ पे आया, भाई ने मेहनत करवाई, प्रॉपर मेहनत करवाई, डाइट बताई और प्रॉपर डाइट दी, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा नहीं, मेरे को 2-3 महीने में ही इतना बेनिफिट दिखने लगा। फिर मैं सोचा यार कम से कम यहाँ पे बहुत रिजल्ट मिल रहा है। 5-6 महीने बाद इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया भाई ने, कि मतलब जो मैं जिमों में जाता था और बंदे वो भी बोलने लगे, यार मतलब तू तो बहुत बढ़िया शरीर बनाया गया, मतलब यहाँ पे मेहनत, मतलब वहाँ पे मेहनत। फिर मैंने बहुत से बंदों को बोला कि भाई यहाँ पे आके देखो, कम से कम फ्री है सबके लिए, सारी चीज़ें बंदे करा भी रहे हैं आपकी एक्सरसाइज वगैरह, तो कम से कम आप अपना टाइम तो दो, खाली अपना टाइम तो दो मतलब मेहनत करने के लिए। तो भाई इसने मेरे को बहुत हर चीज़ सपोर्ट किया है। और अब मेरा हेल्थ को लेकर ये है कि मतलब एक पहले जो आलसपन था, अब तो क्या है पूरे शरीर के अंदर एक फुर्ती हो गई, मतलब हर चीज़ में, किसी भी कार्य में, काम करने के लिए जैसे रस्सा चढ़ना, किसी भी काम में मैं आलस नहीं होता है। पहले क्या होता, खाया सो गया, अपना आलस आ रहा, कोई कुछ काम की बोल रहे, घर वाले फैमिली वाले बोल रहे थे कुछ काम कर ले, तो काम करने का मन भी नहीं करता था, कि खाना सोना भाई मैं जिम मार के आ रहा हूँ ये। बट अब क्या है, जिम भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ, एक हेल्थी लाइफ महसूस करता हूँ, खुद से फील करता हूँ, मतलब शरीर में इतनी स्ट्रेंथ स्टेमिना है कि मतलब कुछ भी चीज़ करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, ये सोचता हूँ अभी कर दूंगा 2 मिनट में। तो काफ़ी भाई ये भी सोचते हैं कि कभी यार विपिन भाई एक सेलिब्रिटी है, वहाँ जाएंगे तो वो चीज़ें ना भाई सोचते हैं कि कभी हमारी ट्रेनिंग ना हो पाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो भाई सोचने को तो बंदा कोई कुछ भी बोल दे दूर से, मतलब देखो पब्लिक आपको मोटिवेशन भी बहुत करती है, डीमोटिवेट भी बहुत करती है, तो आप उन पब्लिक की मत सुनो, पब्लिक तो यार बोलने वाली है, बट आके खुद अपनी मेहनत करके तो दो, अपना टाइम तो दो, कि भाई ये तो नहीं है भाई ये मतलब किसी को घर पे या कराने जाए या कुछ भी, भाई ऐसा कुछ नहीं, आप अपना टाइम दो, भाई सपोर्ट कर सकते हैं आपको, ये नहीं है भाई आपको डाइट भी खुद ला के खिलाएंगे, तो आप अपना टाइम तो दो भाई, मेहनत करवा रहे हैं आपकी। मैं बता तो रहा, मेरा खुद का रिजल्ट मैं बता तो रहा, 110 केजी वेट से आज मेरा 79 केजी है, उस टाइम पे भाई ने 75 केजी वेट ला दिया था मेरा, और स्ट्रेंथ स्टेमिना इतना तगड़ा बन गया था। अब भी मेरा स्ट्रेंथ में मैं ये कहता हूँ कि रेस में मतलब नॉर्मल बंदा है, उसके साथ रेस में भी या किसी भी फील्ड में हो, मैं खुद को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा किसी फील्ड में, एक नॉर्मल बंदा है जो है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आने लिए क्या है, आज के टाइम ना काफ़ी भाई हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आई एम नॉट ऑन नेगेटिव वे, मैं एक पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ, कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी भाई बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर ना उसको रनिंग के लिए बोल दो, रनिंग नहीं कर सकता, रनिंग नहीं कर सकता वो, मतलब अंदर पता नहीं उसने क्या क्या वो कर रखा है। तो हम उस चीज़ को गलत प्रूव करना चाहते हैं कि एक बॉडी बिल्डर भी एक अच्छी बॉडी के साथ भी, आज आप लोग हमें कहोगे ना कि 7 या 8 किलोमीटर रनिंग लगानी है, हम लगा देंगे, हमारे साथ लगा के आ जाएंगे। नहीं जो ये कह रहा ना भाई मैं रेसर हूँ, मैं उसके साथ भी लगा देंगे हम, बोलो, बट वही चीज़ है ना, आप मेहनत तो आके करोगे, ये भी ये नहीं है कि मतलब आप मतलब कई ऐसे है भाई, मतलब बोलते तो बहुत कुछ है पर खुद करके कुछ नहीं दिखाते, मतलब बोल देते कि जुबान है किसी की, कोई कुछ कह नहीं सकता, तो वही बात है, पीछे से बोल देते हैं, वैसे ही सामने तो वो भी नहीं बोलते सामने, देखो अच्छी बात है, नेगेटिव भी होना जरूरी है, अगर कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो हमें उससे एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि शायद हमारे अंदर कुछ कमी हो, हम उसको सुधारेंगे इन टाइम में, है ना। ऐसा भी नहीं है कि सभी को नेगेटिव को आप ले लें पॉजिटिव, कुछ चीज़ें होती है सभी को पॉजिटिव लेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको भी महसूस होती है हाँ शायद हमारे अंदर कमी है, कुछ भाई बोलते हैं कि भाई अपने लेग्स पे काम करो तो हम उस चीज़ पे काम करते हैं, कुछ भाई बोलते हैं अपने चेस्ट पे काम करो तो हमें लगता है कि शायद हाँ उस चीज़ के ऊपर हमें काम करना चाहिए, उस चीज़ की ग्रोथ हमें करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अनिल की काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन रही है और काफ़ी हार्ड वर्किंग है, जॉब करना, डाइट फॉलो करना, घर पे आना, करता हूँ मैं बता तो रहा भाई, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, वही 9 घंटे की जॉब हो जाती है, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में, और फिर उसके बाद वही 11 घंटे पड़ गए, उसके बाद भाई 1 घंटा नहाने में, और फिर भाई खाना खुना पैक करने में, डाइट वगैरह भी अपनी मैं यहीं से घर से बना के ले जाता हूँ, सारी फैमिली को भी टाइम देना, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, काफी हार्ड रहा है इसके लिए, जिम भी करता हूँ मैं, बट वही चीज़ें मेहनत आपके ऊपर है, ये नहीं कि मतलब आप, कई चीज़ें ऐसी है भाई, बहुत से बंदे आ रहे हैं मतलब टाइम पास के लिए, तो वो चीज़ मत करो बिल्कुल भी,
आप किसको खुद को चीट कर रहे हो। मान ले मैंने देखा भाई, मैं कई योगी बंदों की एक्सरसाइज लगवा रहा हूँ तो मैं बोल देता हूँ भाई 10 रैप निकाल, तो 10 नहीं वो 5 लगा के मुँह देखता है, ये देख तो नहीं रहा है, ये देख तो नहीं रहा है। मैं बोला भाई मैं देख नहीं रहा भाई, क्योंकि चीट तो खुद को कर रहा है, मतलब ये नहीं है मैं मेरे को चीट कर रहा हूँ, तू खुद को चीट कर रहा है, मतलब धोखा खुद को दे रहा है। क्या फायदा कहने का मतलब ये है, तो मतलब आप कर ना जिस टाइम मतलब मेहनत के पर्पज से आ रहे हो तो परफेक्ट करो, प्रॉपर करो, ये नहीं अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो टाइम आप यहाँ पे आ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से लगाओ, उसके बेनिफिट लो, है ना। तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी जो अनिल की हमने लाइव की है, अभी कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी हम लाइव करेंगे। अनिल भी सभी बच्चों पे काफी मेहनत करता है मॉर्निंग में, काफी भाई सोचते हैं कि अनिल यार ऐसे ही इतना वर्कआउट कराता है, ये आपके बेनिफिट के लिए कराता है, अपना टाइम निकालता है आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए है ना, इसको कुछ मिलने वाला है नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपना खुद का वर्कआउट करके चला जाएगा, लेकिन आप लोग आ रहे हो अपना टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा कुछ टाइम बाद फिर आप ये कहोगे भाई हम विपिन देसी फिटनेस में गए यार मार तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिले। क्यों रिजल्ट क्या मिलता है, किसी भी जिम में जाओगे ना आप, ट्रेनर है ना कोई, आपको ये नहीं कहेगा भाई तू डंबल लगा ले, एक दो बार बता देगा मोटा मोटा वही चीज है, बता देगा बेंच प्रेस लगा ले, बंदे को ज्यादातर नए नए बंदे होते हैं उसको तो नहीं नहीं ये नहीं पता बेंच प्रेस होता क्या है, वो तो बता के चल जाता बेंच प्रेस लगा लियो, यो लगा लियो, यो लगा लियो, वो बंदा सोचता है यार ये है क्या, मतलब चल ठीक है, फिर दूसरा कोई प्लेट ठा रहा है तो उसके साथ भिड़ते ही जाएगा, प्लेट ठाने लग जाएगा, मैं भी प्लेट ठा लूँ कम से कम कुछ बन जाएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं देगा ना उस चीज़ की तो आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब हाँ कुछ रिजल्ट आ रहा है या कुछ चेंजमेंट हो रहा है, तो ऐसे तो फिर जिम में आप जाते रहो वो अपनी फीस बनाता रहेगा, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो मेन चीज़ हमारी यही है यहाँ पे कहने की कि आप लोग अगर किस कोई भी काम कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन से करें, आप जिम में जा रहे हैं स्ट्रेंथ पे काम करें अपनी कोच को, जरूरी है आप जिम में भी जा रहे हो ना तो आप उससे पूछा करो भाई ट्रेनर से भाई किस चीज की एक्सरसाइज क्या करूं मैं, मतलब डेली पूछो हर चीज, मतलब यार आप फीस दे रहे हो, मतलब ये नहीं है कि मतलब बंदे देखे भाई जिमों में जाते हैं मतलब कोच तो अपने सोचता है कि छोड़े ना अगर ज्यादा बता दिए तो दिक्कत दे जाएगा मैंने, तो वो तो अपना बताता नहीं है कोच तो इसलिए आप खुद पूछा करो या पैसे दे रहे हो आप, मतलब ना टाइम भी दे रहे हो अपना हर चीज में, मेरे को रिजल्ट चाहिए भाई मेरे को, मेरी मेहनत करा। ये हमारी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आप सभी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक अनिल की एक जर्नी के साथ कि इसने कैसे स्ट्रगल की है, कैसे चीज़ों को अभी कर रहा है, कैसे अपनी डाइट को फॉलो कर रहा है, तो हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा लाने का और आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराने का ये एक पर्पज़ था। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, और सभी नए अपडेट्स के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, सभी के लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी हमारे 1 लाख इस चैनल पर भी सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो थैंक यू सभी का, दिल से शुक्रिया आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिया। मयंक के भी जल्दी हो जाएंगे, अभी मयंक को हमें थोड़ा रेस्ट पे रखा हुआ है क्योंकि उसकी पढ़ाई पहले है ना, तो उसकी पढ़ाई होने के बाद चीजों को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सभी का काफी प्यार और सपोर्ट मिला है विपिन देसी फिटनेस की पूरी टीम को, तो थैंक यू सभी का, दिल से धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू, जय जय भारत।